डिसाइज अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स एंड मैरमेंट टू जब हम बात करते हैं डायनामिक सरप्लस की तो वहाँ पे हमने इंडिकेट किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम वर्क दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ वर्क अब बेसिकली ये जो हम इक्वलिटी कर रहे हैं बिटवीन मार्जिनिटी ऑफ इनकम फ्राम वर्क एंड मार्जिनल डिसक दैट इज अंडर दैलफेयर मैक्माइजेशन प्रिंसिपल और इस सारे एक्सप्रेशन को अगर मैं मैथमेटाइज कर दूँ तो हमने यहां पे देखा है डी यू ओवर डी एल इज इक्वल टू डी ओवर डी एल डी ओवर डी एल पार्ट बेसिकली रिपोर्ट मार्जिनिटी ऑफ इनकम डीएलोट मार्जिनल मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ वर्क फिर हमने जब मार्जिन ऑफ इनकम फ्रॉम वर्क को डिवाइड किया था फर्दर सेट किया तो हमने इसको लिख दिया था कि इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इनकम इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के डी यू ओवर डी वाई बेसिकली डी नोट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इनकम वाइल डी वाई ओवर डी एल डी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और अगर हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें तो अल्टीमेटली मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनता है जिस जगह पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम और ये जो रेशो है

डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रोडक्ट ऑफ लेबर अब यहां पे अगर लेबर हायर की जाए आउटपुट तो प्रोड्यूस होगा दूच एक्स M। हाँ जी हमने ये एक्स पॉइंट तक क्यों तो लेबर हायर की, एट प्रोडक्ट ऑफ लेबर और रियल कॉस्ट क्या थी?

ज लेस देन दिजिनल लेवल ऑफ दउटपुट जिसको हमने कहा था एम ओ एच एक्स एंड बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन लेबर देर इज ऑल्सो इनक्रीज इन दार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अब यहां पर अगर हम एज्यूम कह रहे हैं देर इज नो चेंज इन द रियल कॉस्ट ऑफ द लेबर तो अल्टीमेटली क्या होगा अगेन जो आपके पास मूवमेंट होगी लेबर की लेबर विल बी हार्ड अप टू एच आवर्स वर्क अल्टीमेटली अगेन ियमू फ्रॉम एक्स वन टू एक्सर प्रोडक्शन होगी मार्डर्नोडक्ट को जो डिनोट कर रहे हैं वहां पर क्या होगा अगेन लेबर विल बी है पॉइंट ऑफ एक्स और एक्स पॉइंट पे क्या होगा मार्डन लेबर इज इक्वल टू रियल कॉस्ट ऑफ लेबर जब हम अंडर यूटिलाईजेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं agricultural sector, तो ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है इसकी डिटर्मिनेशन में की रोल प्ले करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैपिटल इन इन्वॉल्वमेंट तो वहां पे क्या होगा मोर अंडर लेबर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और यहां पे एक क्या हो सकती है इट माइट बी पॉसिबल देयर इज नो वेज पेमेंट सिस्टम इफ देयर इज नो वेज पेमेंट सिस्टम

और यहां पे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है अगेंस्ट एवरी प्रोडक्ट दैट क्यू वन इज ग्रेटर देन एस लेकिन अब इस सिचुएशन में व्हेन एवरी प्रोडक्ट मैटर्स एंड मार्जिन प्रोडक्ट इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ द लेबर इंप्लॉयड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो वहां पे लेबर विल बी हार्ड अप टू द पॉइंट वेयर एवरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू सब्सिस्टेंस वेज सो द मैक्सिमम लेवल ऑफ लेबर दैट कैन बी हार्ड

कि जी आर जीरो आर नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टाइम इज नॉट इनकसिस्टेंट विद इनकॉन्सिस्टेंट विदेशनल वर्कर के इट माइट बी पॉसिबल आर रैशनल वर्कर इज प्रोड्यूसिंग नेगेटिव इज एडिंग नेगेटिव इन आउटपुट बट इवन देन ही इज कैरिंग आउट ही इज कैरिंग आउट सम वर्क लेकिन ये कब होगा इफ पॉजिटिव यूटिलिटी इज अटैच टू दर्क क्या जी यहां पर इफ समेटिंग पॉजिटिव यूटिलिटी बाई कैरिंग आउट दी वर्क

नहीं करेगी अब इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम में वी आर टेकिंग लेबर टाइम इन आवर्स अलोंग हॉरिजेंटल एक्सेस वाइल मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट अलोंग वर्टिकल एक्सेस और इसी डायग्राम के नीचे हम एक और डायग्राम पेन एक और डायग्राम ड्रा कर रहे हैं जिसमें हम वर्टिकल एक्सेस पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लेयर ले रहे हैं और अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सेस वी आर डिनोटिंग दी ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ क्या जी जीरो वन टू थ्री एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ लियर जी अगर मैं बात करू यहां कि वे मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लेयर क्या है दैट इज नेगेटिव ने पर्सन इज गेटिंग नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी इफ ही स्पेंड्स ट्वेंटी आवर्स ऑन लीयर

but his marginal product is negative. In this situation, marginal utility attached to work exceeds to the loss of utility resulting from lower average product. Ke, if someone is getting a utility from work that is greater than the loss of utility that, that, he, that he has to bear because of, lo because of lower average product. और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि एज अ होल जब सोसाइटीज में प्रोडक्शन होती है तो इन सम सोसाइटीज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क इट रिक्वायर्स मच लॉन्गर टाइम देन दी अदर्स